अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टर्म आता है कांस्टेंट, और इसके बाद जो सेकेंड टर्म आता है वो है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। जैसे ये एक सिंबल या स्क्रिप्ट को देखिए, इस सिंबल या स्क्रिप्ट को देखिए, या इस सिंबल या स्क्रिप्ट को देखिए। कहीं पर भी अगर आपको यह सिंबल, ये सिंबल दिखाई दे, तो इसका मीनिंग ऑलवेज आप लोग 5 ही समझते हैं। और उसी प्रकार अगर यह सिंबल आपको दिखाई दे, तो इसका मीनिंग आप हर जगह 6 ही समझते हैं। और उसी तरीका से ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू भी आप ऑलवेज 22/7 ही समझते हैं। तो क्योंकि ये ऐसे स्क्रिप्ट या सिंबल्स हैं जिनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए हम लोग इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। जबकि वेरिएबल्स में हम लोग कुछ स्क्रिप्ट जैसे एक्स, वाई, जेड, थीटा, साई, अल्फा, बीटा, ये सब लेते हैं। पहली बात ये, इनमें से कोई भी नंबर तो नहीं है। अब क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग अगर कोई एक इक्वेशन लिखें, जैसे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछा जाए बताइए एक्स के जगह पर कितना लिखा जाए कि 3 आ जाए, तो आपके मन में आएगा कि अगर हम इसके जगह पर 1 वैल्यू पुट कर दें तो 3 आ जाएगा। अगर इसी तरीका से हम लोग एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 11 यहाँ पे लिख दें, और फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें एक्स का वैल्यू कितना रखा जाए कि उसमें से 5 को घटाने के बाद 11 आ जाए, तो आपके दिमाग में वो वैल्यू क्या आएगा, 16। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कुछ और है, जबकि इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कुछ और है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जितने भी सिंबल आपको यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग इक्वेशन में इनका वैल्यू में हमेशा बदलाव होता है, जैसा कि आपने पहला और दूसरा इक्वेशन में देखा। यहाँ आप एक्स का वैल्यू 1 समझते हैं, जबकि यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू 16 समझते हैं। सेम सिंबल लिखा गया है, लेकिन इक्वेशन जैसे ही अलग हुआ, इनका वैल्यू अलग हो गया। तो क्योंकि इनका अपना कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, यही कारण है कि इन लोगों को हम वेरिएबल्स बोलेंगे। जबकि ये जितने भी न्यूमेरिकल स्क्रिप्ट्स हैं जिनका एक फिक्स वैल्यू दिया गया है, इनको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलेंगे।